हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाहौल टॉक व्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस, हम जा रहे हैं वैष्णो देवी, और वैष्णो देवी हम जा रहे हैं सारी फैमिली के साथ। और एक गाड़ी अपनी ये तैयार हो चुकी है, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, एक मेरी वाली जा रही है, एक भाई वाली गाड़ी जा रही है, और ये सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये देखो, ये सब बैठे हुए हैं और बच्चे पीछे बैठे हुए हैं सारे मज़े से। और अपनी गाड़ी में चलते हैं, अपनी गाड़ी में भी सबको दिखा देते हैं। मम्मी मेरे साथ ही बैठेगी क्योंकि बच्चे छोटे हैं मेरे साथ, और ये बैठे अपने बच्चे। हाय करो भाई सब, संदूर जय माता दी बोलो, जयकारा शेरो वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। तो गाइस, बस ज्यादा देर ना करते हुए निकलते हैं अपनी मंजिल की ओर और माता रानी के दर्शन करने चलते हैं। बहुत दिनों से पोस्टपोन हो रहा था, कभी कुछ हो रही थी बात, कभी कुछ हो रहा था, तो अब फाइनली निकल रहे हैं। बस अब गाड़ी में बैठता हूँ और पूजा पाठ हमने सब कर लिए, आपने पहले ब्लॉग में देखा, बस अब निकलते हैं। तो गाइस, अब निकल चुके हैं हम वैष्णो देवी के लिए, और रास्ते में अब देखते हैं कहाँ रुकते हैं, क्योंकि हम लेट तो काफी बहुत ज्यादा हो गए, थोड़े बहुत नहीं, बहुत लेट हो गए हम। मम्मी बैग लगा लो, और लेट हम इतने हो गए कि हद से ज्यादा। मैं टाइम दिखा देता हूँ किस टाइम निकल रहे, 4:34 पे हम निकल रहे हैं, और हम पहुंचेंगे पता नहीं कब। हमारा प्लान था जाने का रात को 9 से 10 बजे के बीच, इन्होंने करते करते लेट, बहुत ज़्यादा लेट हो गए। और अब आपको रात के नज़ारे क्या ही दिखाऊं, कुछ अच्छी चीज़ ढंग की आएगी दिखाने के लिए तो वो दिखाऊंगा आपको। तो बस बने रहे ब्लॉग में, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पूरी फैमिली अपनी बैठ चुकी है, पीछे अपनी एक गाड़ी आ रही है। तो गाइस, ये हमारा बहुत पुराना लोहे का पुल, जिसको लोहे का पुल कहते हैं वैसे तो, आयरन ब्रिज। तो बस इस पे से निकल रहे हैं और पहुँचते अपनी डेस्टिनेशन पर। हमें जहाँ जाना है शायद हम वहाँ पर रुके, क्या नाम है, सुखदेव ढाबा, सुखदेव है वो, अमरीक सुखदेव, हाँ वहाँ पर शायद हम रुकेंगे, तो वहाँ पर जाकर आपको मिलेंगे। चलो गाइस, पीछे अपनी गाड़ी आ रही है, दिख रहा होगा लाइट जल रही है पीछे से, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बोलो जमुना माता की जय, जयकारा शेरो वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। बोलो शेरो वाली माता की जय, भैरो बाबा की जय। तो गाइस, चलते चलते ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हमें, और 4:33 पे मैंने दिखाया था, 5:12 हो गए हैं, और देखो दिन निकल गया यार। हमने बहुत ही ज़्यादा लेट कर दिया, हद से ज़्यादा लेट हो गए हम, हद से ज़्यादा लेट यार। सच में यार बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे इस टाइम, पता नहीं क्या है यार, कहीं जाना हो ना ये लेट ही कर देती है लेडी से। मैं गाड़ी भी ले आया था बेचारों को, उनको आज कल तो मेरी वजह से यार, इनके किराएदारों को भी परेशान होना पड़ा। ये कोई भी फ़ोन, इनके भाई भाई कोई फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो मैंने सारी बैल बजाई, तो किराएदार आए बेचारे, उन्होंने खोला गेट। अब हमारी एक मीटिंग होगी छोटी सी अमरीक सुखदेव पे, तो बस वहाँ पर रुक के बस 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे, बात करेंगे, उसके बाद चलेंगे हम आगे। तो देखो, करते करते सुबह हो गई, और बच्चे तो मेरे सारे सोए पड़े हैं, देखो ना पीछे, ये देखो सारे बच्चे सोए पड़े हैं। इधर मम्मी मेरे साथ जगी हुई है, मम्मी का कहना मैं आगे बैठ के जाऊंगी। अरे वो बात नहीं, पीछे माँ बच्चों को लेके अच्छे से बैठेगी। हाँ, मुझे तो ज्यादा है, तो मम्मी की जिद है, मैं आगे बैठूंगी। बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है इस टाइम, इतना ज्यादा मजा आ रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो इस, नहीं इसकी गलती नहीं है मम्मी, देखो यहाँ पर बंद था रोड़ा, तो था वो हॉर्न भी तो नहीं दे रहा, इसकी गलती, इंडिकेटर भी नहीं दबा रहा भाई, क्या करवा के मानेगा, जगह नहीं है बिल्कुल भी। चलो गाइस, अब मिलते हैं अमरीक सुखदेव पहुंच के आपको। तो गाइस, अभी एक छोटी सी मीटिंग कर लेते हैं, सारे इकट्ठे हुए हैं। आयो बाहर, और ये भी आ गए भाई पीछे पीछे है। बताओ भाई, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब निकल गया दिन, अमरीक सुखदेव पे फाली पीली रुकने का कोई फायदा है नहीं, निकल लो। अब सीधा निकल लो, टॉप ऑन टॉप खींच लो गाड़ी जितनी खींच सकती है, 10 बजे करीब रोकेंगे गाड़ी अब, ठीक है। अब बिल्कुल पीछे रहना, ठीक है। अब मैं लगा रहा हूँ मैप, ये भी कोई नहीं, अब तुम मेरे पीछे ही रहना, अब मैप लगा लेते हैं फिर चलते हैं और आगे। ये खड़ी अपनी गाड़ी, और फुल मजे आ रहे, बच्चे अपने अंदर सोए पड़े हैं, और ये देखो लाइन से खड़ी है दोनों गाड़ियाँ। चलते हैं अब गाड़ी में,
और हम कहीं रास्ता वास्ता करेंगे। और देखो बंदर सामने, बंदर वो जा रहा, बंदर। ये देखो दो एरोप्लेन खड़े हैं और हम इनके बाहर से जा रहे हैं अपनी गाड़ी में। ये देखो ये खड़े दो एरोप्लेन, क्या मस्त लग रहे भाई साहब। तो गाइस ये हमारा पहला टोल आ चुका है और ये कितने का कटेगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारा कितने का तेल लगा है और कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है, वो मैं सिर्फ आपको लास्ट वाले पार्ट में दिखाऊंगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है तो अभी देखेंगे कितने का टोल कटेगा, तो मैं आपको बता दूंगा अभी। तो गाइस टुक्की को लग चुकी है भूख और टाइम हो रहा है 5:34 मॉर्निंग और गाड़ी में लगी बहुत तेज भूख जो घर पे नहीं लगती है। तो गाइस मैं बताऊंगा कितने का टोल है इसका, कितने का टोल है ये, हाँ कह रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है इसने भाई, समझ में नहीं आया भाई साहब। इस औरत ने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है भाई, दिमाग तुम खराब करते हो मतलब। कभी कह रही चीज लाई हूँ, अभी क्या कह रही तू, अभी क्या बोला, इतनी आलकस खाती है भाई साहब, इससे इसको ही पीना पानी, और भाई साहब इसका बढ़ता है और हमने कहा गिलास लाई है। अरे रहन दो छोड़ो, अरे भाई साहब, अरे हमारे पे ही कह रही है भाई साहब, गलत बात है, सुनने देख तू झूठ बोल रही है, बाहर आए हैं और हम निकालेंगे पानी। सोना आ जा यार, आ जा ना, लो ये पकड़ लो मम्मी चिल्ड पानी। और गाइस मैं अपने बच्चों की कारिस्तानी दिखाता हूँ तुम्हें, ये क्या क्या करते हरकत है, ये देखो ये सारे फाड़ रखे हैं इन्होंने, आदि के काम है ये, मजा आ रहा है, ये सामान ना गिर जाए, रुक जाओ, खींच खींच ऊपर को, बस बस चल चल, कुछ नहीं आ रहा, निकाल ले बोतलें, चप्पल वप्पल ही निकाल ले, जो भी निकालनी है बच्चों की, बच्चों की चप्पल गाइस थोड़ा सा सामान निकाल लेते, अब सामान निकाल लेते, बच्चों की चप्पल ही तो है ये रही ना, ये रही तो निकाल ले सारी, इनके जूते उतरवा दिए ना, वो पता नहीं कितनी देर में आएंगे, अपने फास्ट ट्रैक में रिचार्ज करवा रहे हैं अब वो। तो गाइस देखो ऊपर कितना प्यारा मौसम लग रहा है, पूरा नीला आसमान और इधर देखो घने काले बादल, और यहाँ पर हो रहा है अपनी बोतलों का आदान प्रदान। मैं बता देता हूँ वो कैसे, बोतलें मम्मी धो के ना, ये हमारा म्यूर जग है उसमें बर्फ है तो उसमें रख रही है मम्मी, ताकि वो बोतलें छोटी वाली ठंडी हो जाए। और सोना भी, ये देखो सारा कैश सोना के पास है भाई, ठीक है हम तो बस 2-4 रुपए लेके चल रहे हैं, बाकी तो सारा सोना के पास ही है सारा कैश, और अपनी गाड़ी के भी नज़ारे दिखा देता हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है लेकिन यार गुस्सा बहुत आ रहा है कि लेट हो गए हम बहुत ज़्यादा, अगर लेट ना होते ना भाई साहब बहुत ज़्यादा मज़ा आता, बहुत ही ज़्यादा। अभी तक दीपक भाई यहाँ तक नहीं आए, उनका पता नहीं क्या हुआ, फास्ट ट्रैक का कोई सिस्टम हुआ पड़ा है यार, अब उनका वेट कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर, बस वो आ जाए एक बार फिर उनसे मिलेंगे, फिर चलेंगे आगे। ये कहाँ चले, इनकी बना ही लेती हूँ चुपचाप। हैंड वॉश कर लो जाके, वीडियो की बनाई पहले तो ये बता मेरे को क्या पता भाई ऐसे कौन वीडियो बनाता है यार, वो भी लेके आ, इसका लाल का एक बैग है। गाइस इस बंदे को कम से कम 2-3 मिनट हो गए, हटा नहीं रहा ये बिल्कुल भी गाड़ी, बंदा देखो अभी भी वहीं पे खड़ा है और इतनी ज्यादा मतलब वो कर रहा है बातें इनसे, और पैसे भी नहीं दे रहा और फ्री में निकलने के चक्कर में। अरे भाई तो क्यों ही निकला गाड़ी लेके भी तू, जब तेरे बस की ये टोली खर्च करना नहीं है, बस वाले तक अपने फास्ट ट्रैक कटवा कटवा के चल रहे हैं और ये बंदा अभी तक भी ऐसे ही चल रहा है इतनी देर से। अब ये देखो कैसे हटेगा, अब हटा, ये देखो देर हो गई इस बंदे को खड़े खड़े,
जिसने हमें परेशान करके छोड़ दिया। तो गाइस अब ये हमारा तीसरा टोल आया है। इससे पहले वाला टोल हमारा गया था कितने रुपए का सोना? 40 रुपए का। अब ये वाला टोल देखते हैं कितने रुपए का है। पहले का कुछ पता ही नहीं, उससे पहले का तो हमें पता ही नहीं, वो उससे पूछ भी रहे पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा था वो। ये देखो गाइस, मैं से पैसे नहीं दूंगा, मैं से टॉफी दूंगा। खा लोगे? चलिए, क्या पैसे तो नहीं जो घर टॉफी खा लोगे। कैमरे से तो बचते हैं ये बच्चे, इन्हें बोल रखा होता है कि कैमरे में नहीं आना। और देखो हमारा आदि दोस्त उठ चुका है, ये रहा आदि। वो बुड्ढा साथ साथ है। आदि उठ गया, आदि आदि आप उठ गए? आदि आप उठ गए? आदि आप तो तोंचा दाना चुनना, ये बताओ। राव चापता ठीक है, वही चुनवाऊंगा आप तो। तो भाई आदि की फरमाइश आई है, राव साहब का गाना सुनना है आदि को। कितने का है ये वाला टोल? कितने का है ये? देखो सब बचते हैं, बता नहीं रहा। तो गाइस अभी हम अम्बाला से थोड़ी सी दूर है, यानी कि हम हैं 40 किलोमीटर दूर है अम्बाला पहुंचने में, हमें 40 किलोमीटर और जाना है फिर अम्बाला आ जाएगा। और आगे देखो राइडर चल रहे हैं, राइडर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो जो बाइकों पे निकलते हैं ना, जैसे हम मैं जाने के लिए कह रहा था आपसे वो। तो गाइस अभी हम रुके हैं फ्रेश होने के लिए, थोड़ा सा वॉशरूम चले जाएंगे और मन्नत पे रुके हम जब से चले चले, बस यहाँ पे रुके हैं। अब कुछ थोड़ा सा देखते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे। चप्पल पहन के आ रहा हूँ ना बच्ची, धूप लग रही है एक साइड से। है Look at this dude. Wait till you see the No. इस मन्नत पे अभी आए हैं, थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह जाना है बच्चों को, तो इनको वॉशरूम वगैरह करवा देते हैं और फिर से उसके बाद में चलेंगे। कहाँ जाएंगे वो देखेंगे अभी, और शायद इसके बाद तो कोई स्टॉप हम लेंगे ही नहीं। और देखो सारी पूरी फैमिली अपनी आ चुकी है, एक बार सब एक बार वीडियो में आ जाओ भाई सारे। और ये इनके कैशियर है, और मेरा कैशियर कहाँ है? मेरा कैशियर कहाँ है भाई? भाई सामने वाली शॉप पे जा रहे हैं कुछ सामान लेना सोना को, और ले लेते हैं भाई फिर चलेंगे कहीं। सब यहाँ पर देखो तोप रखी हुई है, तोप, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पुराने टाइम में आपने देखी। इसके अंदर दिखाता हूँ तोप के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है भाई इसके अंदर तो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है तोप। सोना भी खड़ी हो जाएगी तोप के आगे। सोना तेरे को इसमें उड़ा दूँ तोप से? हैं, उड़ा दूँ तेरी तोप से? आ जा। वॉशरूम वगैरह होके आ चुके हैं और बस चल रहे हैं अब थोड़ा घर वालों के पास। और देखो सीटी बजा दी उसने भैया ने, ये हमारे बच्चे ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं उस पर, मान नहीं सकते हमारे बच्चे। देखो आदि गिर जाएगा, ये देखो खत्म हुआ तो फेंक दी। तो गाइस अब चलते हैं गाड़ी में, गाड़ी में जाके बैठते हैं और चलते हैं आगे। चलो भाई आओ, भी डैडी निकाल रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। अरे तू क्या करेगा ये बता, हट जा। वो बिल्ली कटवाएगा क्या? हट जा। गाइस चिलर का जहाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, इसमें अभी तक बर्फ़ पिघली नहीं है और ये ऐसी बर्फ़ की तरह चिल है बहुत ज़्यादा। तो गाइस अब ये हम यहाँ पर ये लीची वाली जूस पी रहे हैं, और देखो हम कितना सामान लेके आए हैं इस बार खाने पीने का। हमने देखो हवेली वालों के साथ क्या सीन करा, अपनी गाड़ी यहाँ पे लगा के हवेली के सामने अपनी गाड़ी लगा के अपना खाना खा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तुमने हवेली के सामने क्या करवा दिए?
बंदे भी देख रहे हैं बार बार हमें कि भाई ये क्या कर रहे हैं, हवेली पे लगा के अपना खाना खा रहे हैं। खाने से अच्छा कोई खाना नहीं है, अब 4-5 दिन का टूर है, ये खाना कहाँ मिलेगा। तो गाइस ये मत सोचना कि हम वहाँ पे खड़े हो गए क्यों खा रहे हैं, यहीं पे खाते हैं यार, ये नहीं खाएंगे तो ये खराब हो जाएगा, इसलिए खा रहे हैं, है ना। लेकिन मजा बहुत आ रहा हवेली के सामने खड़े होके खाने में। निकला